बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज और बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद मंजूर किए जाने के बावजूद वफाकी हुकूमत ने सैंडिक प्रोजेक्ट बारे बलूचिस्तान की अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर 15 साल माहिदा साइन कर लिया। बलोचों की जानिब से वफाकी हुकूमत के इस फैसले को आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। वाज़ह रहे कि वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में सैंडिक से सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए चीनी कंपनी मेटलर्जिक कॉरपोरेशन ऑफ चाइना या MCC के साथ चौथी मुद्दत के लिए मजीद 15 साल लीज के माहदे की मंजूरी दी। नए माहदे के तहत चीनी कंपनी सैंडिक में मजीद 15 साल यानी 2037 तक 3 कानों से सोना और तांबे के ज़खायर निकाल सकेगी। सैंडिक से मुतालिक बलूचिस्तान असेंबली की खसूसी कमेटी के चेयरमैन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सनाउल्ला बलोच ने माहदे में मजीद 15 साल की तौसी को आइन कानून और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि 2010 में आइन में 18वीं तरमीम के जरिए मादनियात को सूबे की मिल्कियत करार दिया गया था, मगर इसके बावजूद बलूचिस्तान में मादनी वसाइल पर सूबे का इख्तियार बराए नाम है और फैसले वफाक कर रहा है। इस तरमीम के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की वफाकी हुकूमतों ने बिल तरतीब 2012 और 2017 में 2 मरतबा सैंडिक मुआहदे में गैर आइनी तौर पर तौसी की थी। बकौल सनाउल्ला बलोच, एक तरफ ये आइन की खिलाफ वर्जी है जबकि दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी की गैर संजीदगी को भी देखा गया है। याद रहे कि 2018 में बलूचिस्तान असेंबली ने सैंडिक मंसूबे को सूबे के मुकम्मल इख्तियार में देने से मुतालिक सना बलोच की तजवीज़ पर खसूसी कमेटी तश्कील दी थी। सनाउल्ला बलोच का कहना है कि माहदे में तौसी से मुतालिक बलूचिस्तान असेंबली की इस खसूसी कमेटी को भी मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। इसी तरह नेशनल पार्टी के सरबरा और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि मादनियात सूबाई मामला है, इस पर इख्तियार सिर्फ सूबे का है। वफाकी माहदे की तौसी करके मावराए आइन इकदाम का मुर्तकिब हुआ है। उनका कहना है कि सैंडिक माहदे को किन शराइत पर तौसी दी गई अवाम के सामने लाया जाए। दूसरी जानी वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि नए माहदे में हुकूमत पाकिस्तान के मुनाफे में हिस्सा बढ़ा दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत की रॉयल्टी और किराया बढ़ाने के साथ साथ मजीद सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया गया है। बकौल हम्माद अजहर, ये माहिदा बलूचिस्तान हुकूमत की मुशावरत और रजामंदी से हुआ है। ताहम बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों ने वफाकी हुकूमत के फैसले को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मादनियात पर हक और इख्तियार सूबे का है, इसलिए वफाक खुद फैसला करने की बजाय सैंडिक मंसूबा बलूचिस्तान को मुंतकिल करे। सैंडिक प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की कंपनी सैंडिक मेटल्स कंपनी या SML की मिल्कियत है, जिस पर चीन की MCC कंपनी लीज माहदे के तहत काम करती है। वाज़ह रहे कि सैंडिक सूबाई दराल हुकूमत क्वेटा से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के ज़िला चाकी के एक कस्बे का नाम है। ईरानी सरहद से मुलाहिका ये इलाका ठितकियान की इस अर्जियाती पट्टी पर शामिल है, जो दुनिया में सोने चांदी और तांबे जैसी कीमती मादनियात के बेशबहा ज़खायर के हवाले से जाना जाता है। सैंडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की दरियाफ्त 60 और 70 की दिहाई में हुए थी। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 1995 में चीनी कंपनी MCC के साथ मिलकर आजमाइशी बुनियादों पर पैदावार का आगाज़ किया। ताहम तांबे की कम कीमतों, तकनीकी मसाइल और माली खसारे की वजह से यह मंसूबा 1996 से 2001 तक तातुल का शिकार रहा। 2002 में वफाकी हुकूमत ने $350 मिलियन के माहदे के तहत सैंडिक में सोने और तांबे की ये कान चीन के मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड को 10 साल लीज पर दी। इस माहदे के तहत मुनाफा वफाकी हुकूमत और चीनी कंपनी में बराबर तकसीम, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा सिर्फ 2% रॉयल्टी था। 2009 में बलूचिस्तान का रॉयल्टी की मद में हिस्सा 5% तक बढ़ाया गया। 2012 में 5 साल और 2017 में दूसरी बार 5 साल के लिए चीनी कंपनी के साथ माहदे की तजदीद की गई। ख्याल रहे कि सैंडिक में मजमूई तौर पर 3 कानें हैं, जिन्हें जनूबी, शुमाली और मशरकी माइन और बॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। गुज़िश्ता 20 बरसों से शुमाली और जनूबी कानों से ज़खायर निकाले जा रहे थे और दोनों कानों में अब ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। चीनी कंपनी
MCC के एक उद्देदार के मुताबिक माहिदे में तोसी के बाद कंपनी अब सैंडिक में तीसरी कान की कानकनी करेगी, जिसे मशरकी कान कहते हैं। इस हिस्से में 273 मिलियन टन सोने के जखायर हैं, जिन्हें मजीद 19 वर्षों तक निकाला जा सकता है। चीनी कंपनी ने जनवरी 2022 में बताया था कि मशरकी कान में पिछले दोनों कानों के मुकाबले में सोने और तांबे का तनासुब कम है। कंपनी के मुताबिक यहां 328 टन खाम माल से 1 टन खालिस तांबा हासिल किया जा सकता है, जबकि पिछली कान में यह तनासुब 283 टन था। इसी तरह फी टन खाम तांबे की पैदावारी लागत में $340 का इजाफा होता है और इसकी मजमूई कीमत जुनूबी कान के मुकाबले में 30% कम है। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान और माशी अमूर के माहिर महफूज अली खान के मुताबिक जब वो सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान थे तो आगाज हुकूक के बलोचिस्तान पैकेज और 18वीं तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत से सैंडिक के मुनाफे में से 1-2 किस्तें लेने में कामयाब भी हुए थे, मगर बाद की सूबाई हुकूमतों ने मंसूबा अपने इख्तियार में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने 2012, फिर मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत ने 2017 और अब तीसरी बार तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने इस माहदे में तौसी कर दी है। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक का मंसूबा अपने इख्तियार में रखना आइन की सरहन खिलाफ वर्जी है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।